वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट। आज का जो मैच होगा बांग्लादेश वर्सेज न्यूजीलैंड, पचमा T20। इसके पहले चार जो T22 है उसके बारे में बात ही नहीं करना है। रीज़न क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉलर हावी रहे हैं। एक मैच में सिर्फ बैट्समैन थोड़ा बहुत हावी रहे थे, जो 135-40 के स्कोर तक पहुँचा था, लेकिन प्रत्येक मैच में सिर्फ बॉलर हावी रहा, कभी बांग्लादेश के बॉलर तो कभी आपके न्यूजीलैंड के बॉलर, और उसमें भी खास करके स्पिनर, जितने भी स्पिनर है सबको विकेट ही मिला, सिर्फ और सिर्फ स्पिनर को ही विकेट मिला। फास्टर में जैसे बोलते हैं मुस्तफ़ी रहीम और मोहम्मद सैफुद्दीन, जो मीडियम फास्टर है, मीन्स कि वो स्पिन ही करते हैं, करीब करीब 110-115 के बॉल पे स्पीड करके वो स्पिन ही करते हैं, वैसे प्लेयर को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को चुनिएगा। अब जैसे विकेट कीपर में मुस्तफ़ी रहीम और एन हसन, ये दोनों अभी तक नहीं चले हैं। सीधा सा देखा जाएगा तो टॉम लैथम और टी ब्लेंडल है, तो आप इस दोनों को तो आप हटा ही दीजिएगा, या तो मुस्तफ़ी रहीम को रख लीजिएगा एक मैच में, या एक मैच में टी लॉथम। रीज़न क्या है कि करीब करीब जो ये टीम बनेगा, करीब करीब टीम बनेगा, तो 100% करीब का टीम यही रहेगा। सिर्फ जो है आपको बैट्समैन जो ऐसा रहेगा जो आपको ज़्यादा पॉइंट देगा और जिसके कारण ड्रीम टीम लोग जीतेगा। अब देख लेते हैं, चलिए बैट विकेट कीपर के रूप में हो गया, किसी में मुस्तफ़ी रहीम, किसी में टॉम लैथम को रखेंगे, टी ब्लेंडल को हटा देंगे। नीचे के लोग बैटिंग करने आते हैं, हो सकता है टी ब्लेंडल भी स्कोर कर दें, लेकिन टॉम लैथम को मेनली ज़्यादा चांस देंगे। बैट्समैन में देखा जाए जो ओपनर है लेटन दास, इसको हटा दीजिए, लेटन दास चलते नहीं हैं। आफिफ हुसैन भी नहीं चलते हैं आपके, तो आप बच गए मोहम्मदुल्ला और मोहम्मद नईम ओपनर के रूप में। इधर से देखा जाएगा तो सिडी ग्रैंडहोम नहीं चलते हैं, एफ एलन नहीं चलते हैं, तो इधर से बोल गया विलियन हेनरी निकोलस। तो आप एक ऐसा टीम बनाइएगा जिसमें कि तीन जो ये चार जो आपके ऑलराउंडर हो जाएगा, चार जो बैट्समैन है, सॉरी, मोहम्मदुल्ला, विलियन, मोहम्मद नईम, हेनरी निकोलस, इस तरह से टीम बनाइएगा कि इसमें तीन जो प्लेयर हैं आपको प्रत्येक मैच में रहे, चार पांच टीम जो बनाएगा, जैसे मान लीजिए एक में मोहम्मदुल्ला और यंग को रख लिया तो नईम और हेनरी निकोलस में से एक को रखेंगे, मोहम्मदुल्ला को हटा दिए तो विलियन, मोहम्मद नईम, हेनरी निकोलस को रख लिए, हेनरी निकोलस को हटा दिए तो ये तीन को रख लिए, विलियन को हटा दिए तो ये तीन को रख लिए। इस तरह से बना के आपको यही जो आपको जो पॉइंट देंगे, यही बैट्समैन पॉइंट देंगे जो आपको मैच जिताएंगे। रीज़न क्या है कि ऑलराउंडर में ये चार आपके हमेशा खेलेंगे, शकीबुल हसन, मोहम्मद हसन, मेहदी हसन, आर रविंद्र, सी मैकंची, ये आपके जो ऑलराउंडर है, आप प्रत्येक मैच में चारों ऑलराउंडर खेलिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि यही चारों आपको पॉइंट ज़्यादा देते हैं। ये हुआ, फिर बॉलर हुए, बॉलर में आपको देखना है तीन बॉलर इजली आप पिक कर सकते हैं। रीज़न क्या है, इधर से ए पटेल चलते हैं, आपको ए पटेल हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि मोहम्मद एम रहीम हो जाएंगे, और तीसरा मोहम्मद सैफुद्दीन को थोड़ा डाउट में डाल के एन अहमद को रख लीजिएगा, एन अहमद और मोहम्मद सैफुद्दीन। अगर आप चारों बॉलर को जब खिलाइएगा, फोर्थ बॉलर को, तो इसमें से एक को आपको हटाना पड़ेगा, तो आप मेहदी हसन को हटा दीजिएगा। अगर चारों बॉलर को खिलाते हैं तो मेहदी हसन निचले क्रम में बैटिंग करने आते हैं, उतना ज़्यादा नहीं लेंगे, और एक या दो विकेट ही पिक करते हैं। अगर नुशून अहमद को हटाइएगा, क्योंकि नुशून अहमद का एक चीज़ है, देखा गया है कि अगर आज के मैच में चलेंगे, चार विकेट लेंगे, तीन विकेट लेंगे, तो नेक्स्ट मैच में एक विकेट से ज़्यादा नहीं लेते हैं, उनका चार ओवर का कोटा भी नहीं कराया जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर नुशून अहमद खेलेंगे तो मोहम्मद हसन को हटा दीजिएगा, मेहदी हसन को हटा दीजिएगा, और मेहदी हसन खेलेंगे तो एन अहमद को हटा दीजिएगा। अगर इस दोनों को खिलाते हैं तो सैफुद्दीन को हटा दीजिएगा। इस चार में से तीन बॉलर को, तो चार बॉलर को भी खिला सकते हैं, तीन बॉलर को भी खिला सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन का बात आ गया, तो कैप्टन में शकीबुल हसन तो दो तीन मैच में रहेंगे ही रहेंगे, 100% दो तीन चार मैच में बनाइएगा। सी रविंद्र भी रहेंगे, ए पटेल रहेंगे, सी मैकेंची रहेंगे, मुस्तफिजुर रहीम रहेंगे, सॉरी एम रहीम रहेंगे जो आपको बॉलर हैं। उसके बाद फिर सैफुद्दीन नौशन अहमद कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनेगा, जब इनको एम रहीम को कैप्टन बनाएगा, शकीबुल हसन को वाइस कैप्टन, शकीबुल हसन बैटन को, तो आर रविंदर एजाज पटेल मैकोची, इस तरह से करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऊपर के कोई नहीं रहेंगे।
आपको बैट्समैन और विकेट कीपर में से कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पिच इतना टूट चुका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिनर को मदद करेगा और यहाँ दिन पर दिन रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। मीन्स कि यहाँ तो बस सेकंड बैटिंग करने वाला ही करीब करीब डोमिनेट करता है कि अपना पहला स्कोर बना लिए, उसके बाद फिर उसको रोक लेते हैं। लेकिन अब ऐसा पिच हो गया कि आप 60 रन पर भी ऑल आउट हो रहे हैं, 90 रन पर भी ऑल आउट हो रहे हैं, मतलब 100 क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं इस पिच पर। इस पिच पर सबसे ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं ये 4 और ये 8 प्लेयर। लेकिन आपको है 4 अगर ऑलराउंडर के लिएगा तो 3 ही बॉलर के लाना है, तो एक को ड्रॉप करना पड़ेगा नसीम अहमद को या मोहम्मद शहाबुद्दीन के। अगर इसमें मेहदी हसन को ड्रॉप करते हैं तो ये चारों को लाइएगा। इस चार प्लेयर में से 3 को किसी को खिला सकते हैं, जैसे एक में महमूदुल्ला विलियंग और नईम, एक में महमूदुल्ला निकोलस विलियंग, महमूदुल्ला नईम विलियंग, इस तरह से करके आपको बनाना है 7 से 8। इसी को जो आपका जो बैट्समैन चेंज होगा वही आपको ड्रीम टीम जिताएगा, क्योंकि यही आपके जो ज़्यादा पॉइंट देंगे ड्रीम लीग और स्मॉल लीग में। करीब करीब सबका 90-100% प्लेयर का यही टीम होगा, 90-100% टीम का यही टीम होगा। सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन के अलावा जो बैट्समैन जो पॉइंट देंगे उसी पे आपका ड्रीम टीम जीता जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।